हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे विषय पर आपको बताएंगे कि भाई कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह खाते पीते हैं और हमको थोड़ा बेचैनी आ जाता है और मूड नहीं रमता है, गुस्सा आ जाता है और नींद भी उड़ जाती है कोई कारणवश, तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। कई बार घर में जो पुरुष होता है और गुस्सा कर देता है तो भी आपकी पत्नी बोलती है कि आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ जो कारण है, ये डिप्रेशन का कारण है। तो मित्रों, ये डिप्रेशन कैसे होता है, डिप्रेशन में हमको चिंता आती है, वरीड आती है, फॉरगेटफुलनेस आता है, हमको स्लीप नहीं आती है, ये सब सारे सिम्टम्स प्राइमरी होता है। तो हमारी मगज की रचना में देखें तो हमारा जो मगज है ये सारा शरीर और मानसिक को बैलेंस करता है। मगज में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन को एक दूसरे को अप्लाई करने के लिए सीरोटोनिन नाम का जो एंजाइम्स होता है हमको मूडी बनाता है, हमको हंसाता है, हमको वो एंजाइटी भी कर सकता है, हमको रोना भी ला देता है। तो ऐसी जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस भी बोलते हैं, और इसके कई तरह के अलग अलग नाम दिया गया है, और उसका सेकेंडरी भी उसका ये प्रॉब्लम्स होता है। कई बार तो ये अपने सीरोटोनिन का इम्बैलेंस होने की वजह से आपको डिप्रेशन आता है, कई बार कोई कॉज आ जाता है, कई बार एग्जाम हो जाती है बच्चों की तो भी बच्चों में एंग्जाइटी न्यूरोसिस होता है, उसको वीकनेस होता है, मेमोरी लॉस होता है, रोना लग जाता है, उसको मेंटली फटिक हो जाता है, फियर भी रहता है। ऐसे कई बार आपको लॉन्ग बीमारी होता है और आपका मन तैयार नहीं होता है तो इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी न्यूरोसिस होने की ये संभावना रहती है। कई बार लेडीज को भी ऐसा होता है कि जो लेडीज काम करती है और उसका मेंटल डिपनेस डेपनेस नहीं होता है तो उसको भी कई बार ये जो उसका वर्किंग आवर्स और घर का बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है तो भी उसको वरीड आता है और उसको बेचैनी और एंग्जाइटी रहता है। ऐसे कई बार आपको मेंटल ट्रॉमा हो जाए, कोई कोई कारण हो बस आप एकाएक कोई लॉस कर दिया हो और उसके लिए आपको ये बेचैनी हो जाए और इसके वजह से भी ये कॉज आता है। तो उसका क्या चिन्ह होता है, तो आप सबसे पहले हम लेडीज को बताएंगे। तो जो लेडीज में क्या होता है कि जब उसको मेंटल सिम्टम होता है, डिप्रेशन होता है, तो एक तो मूडलेस होती है, घर में काम तो बेचारी को करना पड़ता है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर उसका चीत नहीं चौटता है, सारा दिन रोना लगता है, किसके साथ बात नहीं कर पाती है, रात को नींद नहीं कर पाता है और सारा दिन उसको वरीड रहता है कि मेरे बच्चे को मैं कैसे पालूं, मेरे पति के कैसे मैं संभाल करूं, मैं बैलेंस घर को और फिजिकली और मेरे जॉब भी कैसे ओरिएंटेड, जो लेडी होती है और जॉब करती है तो उसको भी लगता है कि मैं मेरा कैसे बैलेंस पाऊं, तो उसको मूडलेस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है, इसकी वजह से उसको भी फिजिकली सिम्टम आता है। तो फिजिकली सिम्टम में उसको पहले तो बाल झड़ने लग जाता है और उसका जो ब्यूटी फेसअप होता है वो ठीक नहीं होता है, खील आने लग जाता है, आँख के नीचे काला कुंडा आ जाता है, फेस पे अग्लीपन हो जाता है, पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन आ जाता है जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, और कई बार उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी उसको इफेक्ट होता है। डिप्रेशन में उसको वजन घटने के कारण नहीं पर वजन बढ़ने का भी उसको टेंशन रहता है, और स्ट्रेस डिजीज की वजह से उसको थायराइड और हाइपरटेंशन भी होने का चांस रहता है। ऐसे बच्चों में भी देखा होगा कि भाई बच्चा भी आज भी करियर ओरिएंटेड होता है, फास्ट लाइफ में बच्चा भी उसका सब कोप अप करने के लिए बहुत बहुत पायमान नहीं होता है, तो कई बार उसके लिए वो मेंटल चैलेंज बन जाता है। तो जब भी बच्चों को एग्जाम आती है तो उसको एक तो भूख नहीं लगती है, एग्जाम के समय उसको फियर आ जाता है, एग्जाम के समय उसको डायरिया आ जाता है, एग्जाम के समय वो रोने लग जाता है, खाना बंद कर देता है, वेट लॉस करता है, उसको भी नींद नहीं आती है, घबरा जाता है, सारा दिन मम्मी के पास रोता है कि मम्मी मैं कैसे पास हो जाऊंगा, ऐसे ये भी बच्चों में भी ये डिप्रेशन होता है, ये भी ये टेम्पररी डिप्रेशन का फेज होता है। अभी बड़े लोगों में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कई बार ये घर में कोई लॉस कर दिया हो या बिजनेस में उन्होंने कोई लॉस कर दिया हो या कोई शेयर मार्केट में उन्होंने कोई बड़ा लॉस कर दिया हो और वो चैलेंज नहीं कर पाता है, मेंटल उसको वो मानना तैयार नहीं है कि ये लॉस कर दिया है, और उसको भरपाई करने के लिए उसको बड़ी बड़ी चैलेंज को फेस करना पड़ता है, तो इसकी वजह से उसको भी सुसाइडल टेंडेंसी कई बार आती है, उसको बेचैनी आ जाता है, नींद नहीं आती है, घबराहट हो जाता है, पाल्पिटेशन होने लग जाता है,
और सारा दिन वरीड करता है, थॉट करता है, और घर में जो नज़दीक के लोग होता है फैमिली उसको भी स्ट्रेस करता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सुसाइड हो जाऊंगा, मेरे को आपघात करने का है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सारे सिम्टम्स होती है। कई बार लॉन्ग इलनेस में भी आपने देखा है कि भाई जिसको वो हार्ट अटैक आ गया है तो बाद में भी वो कंटिन्यूस उसको रहता है कि मेरे को फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी लाइफ अच्छा नहीं होएगा और मैं अच्छा लंबा नहीं जी सकूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बच्चों को कैसे उगरूंगा, तो उसको भी एंग्जाइटी न्यूरोसिस रहता है, डिप्रेशन आ जाता है, नींद नहीं आता है, वरीड करता है। तो आधुनिक साइंस में उसको सप्रेस करने के लिए दवा देता है, वो टेम्पररी दवा ठीक होता है, पर ज़्यादातर जो मेंटली उसको जो दवा दिया जाता है और इसमें ज़्यादातर नींद की दवा ज़्यादा होता है, तो दर्दी को ये नींद नहीं आती है और उसको लिए वो बार बार दवा ले गया तो इसकी भी साइड इफेक्ट रहता है। तो जिसका मेन जो कारण तो अलग रहता है पर इसके साथ उसको मेंटली दवा भी उसका साइड इफेक्ट रहता है। तो दर्दी जिंदगी भर फिजिकली तो अच्छा लगता है पर वो मेंटली एंड फिजिकली वेलबींग नहीं कर पाता है। हमारा वाइटल फोर्स में ऐसा है, हनुमान ने बताया कि आप मेंटली एंड फिजिकली वेलबींग हो तो आप स्वस्थ और मेंटली चैलेंजेबल होता है। तो कई बार लॉन्ग इलनेस की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम रहता है तो इसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है। तो हम आपको होम्योपैथिक की दवा के बारे में लेटर बताएंगे, इससे पहले आपको ये जो मेंटल जो डिप्रेशन आया है, वरीड आ गया है, इसके लिए आपको चैलेंज और पॉल्पिटेशन भी होता है। कई बार सेकेंडरी डीप जिसको डिप्रेशन होता है तो उसको कई बार उसको OCD और ऑब्सेसिव कंपल्शन सिंड्रोम बोलते हैं। तो कई बार एक ही एक चीज करता है रहता है, सपोज दर्दी नहाता है तो कंटिन्यूस नहाता ही रहेगा, दर्दी कई बार पानी गार्डन में डालता है तो डालता ही रहेगा, उसको स्टॉप करने में उसको मालूम नहीं पड़ता है। कई बार वो समय बार बार देखता है तो समय की घड़ी पर देखेगा, कई बार बालों में जब मिरर में बाल अच्छा करता है तो कंटिन्यूस बाल अच्छा ही करता रहेगा। ये कंपल्सन उसी सिम्टम भी ये सप्रेस मेडिसिन और ये क्रॉनिक डिप्रेशन का एक ही कारण है। तो ये उसी में भी हमारा होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है, आप वो पेशेंट को लंबे टाइम तक लोगे तो ये OCD भी ठीक हो सकता है। कई बार आपने देखा कि सिजोफेनिक होता है, सिजोफेनिक में एक्यूट सिजोफेनिक होता है, इसमें कई बार इरेलेवेंट दर्दी बोलता है, कोई कोऑपरेट नहीं करता है, गुस्सा आ जाता है और ये उनका जो बुद्धि के साथ जो काम करने जाता है तो अच्छी तरह काम नहीं कर पाता है, सामने व्यक्ति को लड़ बैठता है, समझ नहीं पाता है, घर में भी ये वॉशिंग करता है, ऐसे यंग एज में पाया गया है। तो ये सब कुछ ये शुरुआत के सप्रेस सिम्टम्स है हमारे मेंटल को, इसको एक्यूट सिजोफेनिक भी बोलते हैं। जैसे क्रॉनिक सिजोफेनिक में कई बार लॉन्ग टर्म से दर्दी को ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अच्छा नहीं होता है, कपड़ा नहीं पहन सकता है, गंदा रहता है, नाक बड़ा बड़ा रहता है, तो ये भी उसको ये भी क्रॉनिक उसको ये सिजोफेनिक के सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी होम्योपैथिक वर्क वेल करता है, इसके लिए आप अच्छा होम्योपैथ के पास जाना पड़ेगा और तुम्हारा जो शरीर में जो सेरोटोनिन की इफेक्ट है ये उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छी होम्योपैथिक में दवा है। मित्रों सबसे पहले आपको जो फीवर लगता है तो फीवर के लिए आपको होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है। इससे पहले आप तो सबसे पहले जो एक्यूट जिसको डिप्रेशन है ये मैं आपको सलाह देता हूँ, आप सबसे पहले प्रोटीन खाना बंद कर दीजिए, प्रोटीन से हमारा वायु उत्पन्न होता है, आयुर्वेदिक में उसको वायु का रोग का क्लासिफिकेशन किया है। और जो दर्दी एक्यूट डिप्रेशन है ये खुद भी ठीक कर सकता है, ये योगा करे, वॉक करे, अच्छा पानी पिए, खाना भी 50% खाए, और जो लोग हाईली इंटेलिजेंट है और ये लोग जिसका कॉज है वो कॉज को ये एनालिसिस करे तो ये ठीक हो सकता है। सभी कोई कॉज होता है ऐसे डिप्रेशन नहीं हो जाता है, कई बार एक्यूट डिप्रेशन भी होता है, तो आप उसको एनालिसिस करो, इसको हम कैसे ठीक कर सकता है, कैसे चैलेंज कर सकता है, उसका डू एंड डॉन्स देखिए, तो इसमें कुछ होता नहीं है, आप उसका जवाब मिल जाएगा, आप संतुष्ट रहेगा। कई बार आपका फ्रेंड सर्कल कम होने की वजह से भी आपको डिप्रेशन आ जाता है, तो अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, किसके पास सलाह लेने का हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसको आपके जो भी प्रॉब्लम है वो स्वस्थ कर आपका सॉल्यूशन कर सकता है। अभी आप होम्योपैथी के बारे में जानेंगे। अभी होम्योपैथी में सबसे पहले एकोनाइट नाम की जो दवा है ये सबसे पहले ये जो दवा है बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। इसमें आपको कोई भी जात का फियर रहे, एग्जाम फियर रहे, या आपके किसी को मिलने का फियर रहे, आपको कोई जाने की जगह हो का फियर रहे, इंटरव्यू का फियर रहे, तो एकोनाइट फियर के साथ साथ आपको एक्यूट जो प्रॉब्लम है सर्दी खांसी ताव ग्रस्त में भी काम करता है।
तो ये हमारा मेंटल सिम्टम में भी काम करता है। तो एकोनाइट 30 जैसे भी जब भी आपको फियर कॉम्प्लेक्स हो तो ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड दवा है आर्सेनिक माल। ये आर्सेनिक माल आपको 1 एम पोटेंसी में लेने का है। जैसे आपको ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए, मूड अच्छा नहीं हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, आपको छाती में पाल्पिटेशन हो जाए, पसीना हो जाए, बार बार आपको यूरिन लेटरिन जाना पड़े, तब आपको ये जो दवा है आर्सेनिक माल बहुत अच्छा काम करता है। पर उसको 1 एम पोटेंसी में हर रोज एक ही बार लेने का है, 2-3 महीना लेंगे। इसके साथ मैंने आगे मेरा वीडियो में बताया है माइंड पावर की जो दवा है, दोनों साथ में लोगे और 3 महीने लोगे तो आपका क्रॉनिक जो भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस भी है, सन्निपात है, चिंता है, वरीड है, वो ठीक कर सकता है। मित्रों लेडीज में भी मैं 2 दवा बताता हूँ। एक से पहले इग्नेशिया होता है, तो इग्नेशिया जो लेडीज के बच्चे में उसका बच्चा कोई डिलीवरी में मर गया हो और कोई एक्यूट स्टेज में कोई एक्सीडेंट की वजह से हो या इलनेस की वजह से उसका शॉक आ गया है और डेथ आ गया हो, या कोई नजदीक व्यक्ति का भी डेथ आया गया हो और वो डिप्रेशन में रही हो, सारा दिन रोते रहे, उसको एंग्जाइटी रहे, भय लगा करे, वो नींद नहीं पाए, खाना नहीं खा पाए, ऐसे लेडी में जो कोई सिम्टम मिलता है, मेंस्ट्रुएशन भी ज़्यादा आ जाता है, कई कंप्लेन करता है, फिजिकली भी कंप्लेन करता है कि मेरे को शरीर दुखता है, वजन बढ़ता है, उसको गमता नहीं है, इनसिक्योरिटी फील करती है, ऐसे कंडीशन में आप इग्नेशिया 200 पोटेंसी में सुबह शाम 3 महीना लेने से आपका जो भी लेडीज को जो सिम्टम आया है वो ठीक कर सकता है। चौथी दवा है पल्सेडीला। जो पल्सेडीला भी लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ये जो दवा है वो जब भी पेशेंट दर्दी डॉक्टर के पास जाए तो उसका कंप्लेन करने से पहले रोने लग जाए। ऐसे आप बोले वो ओवर सेंसिटिव हो, किसी के साथ भी बात करें तो रोने से पहले रोने लग जाए और बात करें, तो ऐसे जब भी सिम्टम आए उसको फिजिकली और मेंटल हो जाए, उसको कैसे बच्चों को पालन करेगा और उसको जो घर में की जवाबदारी कैसे करेगा, ये नहीं कर पाती है, रोने लग जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है मेंटली फिजिकली, ऐसे चैलेंज लेडीज जो होती है उसमें पल्सेटिला इज वर्क वेल। तो पल्सेटिला 200 सुबह शाम देने के साथ हमारा जो आपने बताया है माइंड पावर की जो दवा आपने वो पिक्चर में बताया हुआ है, ये भी आप उनको दो तो ये भी ठीक हो सकता है और अच्छी हो सकता है। कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति ने उसको लॉस कर दिया हो और कोई नजदीक का व्यक्ति का उसको डेथ हो गया हो, ऐसे मेल में भी देखा गया है, तो उसको भी लगता है कि मैं अच्छी तरह जी नहीं पाऊंगा और मेरे को ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके लिए ऑरम मेटालिकम नाम की जो दवा है 1 एम पोटेंसी हर रोज लेने का है। ये दवा 3 महीना लेने से आपको जो सुसाइडल टेंडेंसी आई हुई है वो ठीक कर सकता है। मित्रों मैंने बताया हुआ है कि जे लोगों को एंग्जाइटी न्यूरोसिस के साथ साथ डिप्रेशन की और सेकेंडरी सिजोफेनिक की भी कंप्लेन होती है, तो इसमें होम्योपैथिक में हायोसाइनस नाम की जो दवा है जो घाटपन करता है और इलेवन बोलता है, भगवान के साथ भगवान को मानता नहीं है, किसके साथ कोऑपरेटिव नहीं करता है, तो ऐसे एक्यूट जो सिजोफेनिक है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो सेकेंड दवा होती है, जो लोग को इल्यूजन्स पैदा होता है, उसको लगता है कि घर के लोग मेरे को मार डालेगा, कोई मेरे जो पीठ के पाचर कोई छुरा भोंग देगा, ऐसा उसको इल्यूजन लगे, तो ये स्टैफिसैग्रिया नाम की जो दवा है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मित्रों कई बार इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं आती है लंबे वक्त तक, तो इसमें भी हमारे जो होम्योपैथिक में बेलाडोना एंड कालीफॉस 6x पोटेंसी है, ये रोज लेने का है 30 पोटेंसी में, 3-4 महीने लेने से तुम्हारा जो सीरोटोनिक का इंबैलेंस आया हुआ है और मेंटल वीकनेस आई हुई है वो ठीक करेगा, आप मेंटली एंड फिजिकली वेलबींग हो सकता है, आपका कोई भी तरह का जो भी मेंटल सिम्टम्स है होम्योपैथिक के उसका क्योर निवारण है, उसको कंप्लीट क्योर है, लाइफ लॉन्ग लेने का नहीं है, क्योंकि ये दवा लाइफ लॉन्ग लेने से उसका साइड इफेक्ट होता है, होम्योपैथिक दवा का उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और लंबे वक्त तक ले सकते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मित्रों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।